हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बिजनेस इंटरव्यू सेशन नंबर 5। मैं हूं आपका होस्ट शहरोज अली और आज के हमारे मेहमान हैं मलक मजीद साहब, जो कि माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, अजीज हैं हमारे, और इनका मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने टाइम दिया और अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया है मेरे लिए और आप आवाम के लिए। ये हमें सिखाएंगे और बताएंगे जो इनका तजर्बा है, तो इसी वजह से मैं सेशन का स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र है। अच्छा मलिक साहब, मैं आपसे आप ही के काम के वजह से सवाल करूंगा तो आपने उसी के जवाब देने हैं। मलिक साहब का काम, मलिक साहब स्टिचिंग का काम करते हैं और मुख्तलिफ तरह की स्टिचिंग करते हैं, ओवरलॉक करते हैं। इनके पास, मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि इनके पास जो मशीनरी है और माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है इनका। तो मलिक साहब, मुझे मेरा पहला सवाल आपके साथ ये है कि इस काम का आपको शौक था या किसी ने आपको बताया तो आपने ये काम किया? नहीं सर, पहले शौक था मुझे। शौक था तो फिर आपने अपने शौक से सीखा? हाँ जी, शौक से। शौक से सीखा। अच्छा मलिक साहब, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि ये काम आपने कहाँ से सीखा? ये लाहौर में ग्रीन टाउन से सीखा। ग्रीन टाउन, वहां कोई आपके कोई रिश्तेदार थे कोई, या किसी फैक्ट्री में किसी जगह पे आपने जाके सीखा? दोस्त भी जिन्होंने दोस्त से आप? हाँ जी, ठीक है। अच्छा मलिक साहब, उसके बाद ये काम आपने कितने अरसे में सीखा, कितना वक्त लगा आपको इसको काम को सीखने? तकरीबन 1.5 साल लगे। 1.5 साल के अरसे में आपने मुकम्मल सीख लिया? मुकम्मल। अगर कोई नया बंदा सीखने की कोशिश करता है तो उसको कितना टाइम लगता है? देखो वो तो सन 2001 से सीखा है काम, वो तो टाइम मैंने कोई नहीं थी, टाइम लग जाए कोई मसला नहीं थी, तो जल्दी जल्दी जितनी जल्दी ना तकरीबन 1.5 साल लगता है। फिर भी 1 साल मुकम्मल सीखने में लगभग मुकम्मल सीखने में ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि उस्ताद भी अच्छा मिल जाए, उस्ताद भी अच्छा मिल जाए, शागिर्द भी सही मेहनती हो, सही मेहनती। तो इस काम को करने के लिए, एक नई दुकान डालने के लिए, अपने सिलाई का किसी बंदे को काम करने के लिए कितने पैसे उसको शुरुआत में चाहिए? कम से कम, कम से कम सर होना चाहिए कोई, जैसे दुकान लाजमी जरूरी, कम से कम मेरा ख्याल है कि 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार ये नॉर्मल एरिया में। मशीन भी आ जाएगी, मिस्त्री भी आ जाएगी, कैंची भी आ जाएगी, टेबल ये नई चीजें नहीं होगी, पुरानी तो नहीं होगी, नहीं चलती मशीन तो चलती मिलेगी ना, मशीन चलती मिलेगी, नहीं रहोगी तो फिर नहीं। इतने मशीन की तस्वीर मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जो साहब बात कर रहे हैं मशीन। अच्छा उसके बाद जो सामान है ये क्या क्या होगा, उसका नाम जरा हमें दोबारा रिपीट कर दें कि क्या क्या चीजें होंगी जो लेनी होगी इसमें? एक मशीन होगी, एक कैंची होगी, एंची टेप होगा और टेबल काउंटर, मतलब जो स्टूल वगैरह बेंच वगैरह होता है, ये सारी 50 हज़ार में आ जाएगी। हाँ जी आ जाएगी। सही है, ठीक हो गया। सामान सर, ये सामान मिलता कहाँ से? ये जी लाहौर होटल में बॉर्डर चौक और स्टेशन में, इधर से। ये तीन मेन जगह है यहाँ लाहौर, मेन जगह लाहौर के अंदर तीन मेन जगह, यहाँ पे जरा कम रेट में मिल जाती है, मार्केट है पूरी। हाँ जी मार्केट, मार्केट है। सही। मतलब साहब इस काम में बचत कितनी है अगर कोई करता है स्टार्ट, ये सूट के वाले से आप बताएं कि इसमें कितनी बचत? देखो जी वो इलाके के हवाले के नाल जरा ना, जिन्हें भी सिलाई उस हिसाब लोकल जरा गली मल है ना अपनी सिलाई काट देते, तो जो मेन तो वांट हो चले जो मेन उतनी सिलाई ज्यादा है, लिहाजा 3 सूट सिलाई करो, 1 सूट 2 सूट की बचत आ जाती, बचत आ जाती। यानी कि हजार का अगर सूट सी रहा है कोई, 800 का सी रहा है, उस जिस हिसाब से सी रहा है, जिस हिसाब से सिलाई दे रहा है, उस हिसाब से बचत। इसमें जरूरी तो नहीं मतलब साहब कि पहले जब आपने काम स्टार्ट किया तो पहले दिन ही आपको 2-3 बंदे रखने पड़े? नहीं नहीं, आप खुद संभाल सकते हैं। अच्छा मतलब साहब इस काम के वाले से थोड़ा सा हमें जरा सूट रख के थोड़ा सा बता दें कि क्या क्या कटिंग होती है, क्या सिलाई होती है, कैसे कैसे आप करते हैं और कहाँ कहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है सिलाई का? जी मतलब साहब बताइएगा कि सबसे पहले आप इनके जब कपड़ा होता है वो अनस्टिच होता है बिल्कुल, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले नाप जो होता है ना, मतलब उनके मुताबिक फिर कटिंग करें। पहले आप उसका गाग का नाप ले लेते हैं आप? हाँ जी। नाप में किस किस चीज का नाप लेते हैं? नाप सबसे पहले मतलब कि लंबाई, लंबाई फिर बाजू, ठीक है, तेरह आप कंधे को कह रहे हैं ना? हाँ जी कंधे, कंधे को, और ये वाली छाती का लेते हैं, फिर उसके बाद केरा, फिर नीचे, हाँ जी नीचे कमर का, हाँ जी, उसके बाद फिर शलवार,
ये सलवार का लेते हैं, ये पांच साइज आप लेते हैं, और फिर पांचे का भी लेते हैं नीचे। हाँ जी, पांचे का भी, पांचे का भी लेते हैं। ठीक है, काफ किन्ना ठीक है, कॉलर किन्ना, बैंड लुवाना, जो भी लुवाना ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कटिंग का क्या तरीके का आ रहा है सर? फिर पहले किस तरह, पहले किस चीज की कटिंग करते हैं, कमीज की या सलवार? कमीज और सलवार मतलब मिक्स ही मतलब निकल देने, पहले कमीज का एक हिस्सा करना, फिर सलवार का एक हिस्सा करना। ठीक है जी। फिर दूसरा जो बाकी कपड़ा बच जाएगा, हाँ जी, उनके विचों कमीज दे बाजू जी जी, ते सलवार का एक हिस्सा निकलेगा। सलवार में तो मतलब साहब एक ये उम्र के लिहाज से आप कपड़ा बताते हैं किसी को, या कद के लिहाज से बताते हैं कपड़ा? देखो ये अपनी अपनी पसंद होती है, जो कपड़ा लेके आते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा मकसद मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हां जी, मेरा मकसद ये है कि आप जैसे बच्चा आया है, अब ये बेटा है, इसको आप कद देख के बताएंगे इतना कपड़ा लगेगा, या आप कहेंगे नहीं बच्चा बताओ कितने साल का है, तो फिर उस तरह से गेम। हाँ जी, जितने साल का बच्चा होगा उतना कपड़ा लगेगा। ठीक है, जे बड़ा बच्चा है ज्यादा कपड़ा लगेगा। एक मर्द का यानी कि सही मर्द का कितना कपड़ा लगता है? 4 मीटर लगता है। 4 मीटर लगता है। हाँ जी। उसमें आपका शलवार कमीज दोनों बन जाती है, मुकम्मल हो। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, कटिंग वाले से बात हो रही थी, आपने पहले कमीज कटिंग करते हैं, तो कमीज में जो आप कटिंग करते हैं पहले बाजू काटते हैं या पहले वो अगला हिस्सा काटते हैं? पहले बैक और फ्रंट, बैक फ्रंट काटते हैं, उसके बाद सलवार दे विचो मतलब के कुंडे वगैरह जो वाले वो कटी दे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो कपड़ा बाकी होना बाजू कटी दा और कुंडे काट लीजिए। सही है, सही है। फिर उसके बाद मजीद आपके बाद मुकम्मल हो जाए, फिर सिलाइयां शुरू करते हैं, सिलाइयां शुरू, फिर उस पर काज बटन वगैरह, फिर चेपी वगैरह जो लगाना लगा। सही है। उसके बाद मदर साहब ये बताइएगा कि इस काम का सीजन होता है कोई या पूरा साल ही चलता है? देखो जी, अपने हवाले जी क्वालिटी दोगे तो रेगुलर चलता रहेगा, मेरे सीजन के मजबूर हो गए कस्टमर ने आना ही आना, लिहाजा थोड़ी अपनी क्वालिटी थोड़े का डिपेंड करता, रेगुलर चला लो या सीजन के चलता भी रहता है, अपने पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सिलाई प्रोवाइड कर रहे हैं जी, कि इर्द गिर्द के सारे इलाके के ग्राहक आपके पास ही। उसके बाद साहब ये बताइएगा कि लेडीज की भी सिलाई होती है, जेंट्स की भी सिलाई होती है, बचकाने की भी होती है, आप तो जेंट्स का काम कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों में से कोई तजर्बा है आपका कि किस काम में बचत ज्यादा है? देखो जी, मैं तो जेंट्स कर रहा, तो मैं जेंट्स ही फायदा नजर आ रहा है, जेंट्स में फायदा ज्यादा कर रहे हैं। सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई जेन बनता हो कि आप अगर कल को करें तो लेडीज की तरफ जाएंगे या जेंट्स के बचकाने की तरफ जाएंगे? कोई भी काम करो ना, अंदर जी बचत होंगी, कोई भी काम। सही। लास्ट में मलिक साहब ऑडियंस को क्या मशवरा देंगे आप अपने इसी काम के हवाले से, क्या पैगाम देंगे आप? सिद्ध पैगाम देंगे जी, कोई भी काम करो ना शौक रखो, तो शौक जिन्ना रखोगे उन्ना ज्यादा थोड़ा फायदा होगा, तो काम जल्दी सीख जाओगे, तो ज्यादा यही काम करो जो कर रहे। बिल्कुल अच्छा मशवरा दिया मलिक साहब ने। मलिक साहब माशाल्लाह मेहनती बंदा, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अपना काम कर रहे हैं, बड़े छोटे से लेवल से स्टार्ट किया था उन्होंने और आज मेहनत के बलबूते पे ही आज ये अपना अच्छा और बड़ा वसीले माने पे काम कर रहे हैं। मतलब मैं तो रिक्वेस्ट करता रहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक बार आप अपनी मोहब्बत भरी आवाज में कह दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, कर दो जी मेरे चैनल को। नहीं, मेरे चैनल चैनल कर दो जी। इसी मेरे हिसाब से मैं तकरीबन सारे सवाल जो पूछ ली है, सारे अहम वो सवाल जवाब थे जो एक बंदा जब काम नया शुरू करने जा रहा होता है तो उसके जहन में होते हैं, तो उम्मीद है कि आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मलिक साहब से फिर आपके लिए कोई अगर सवाल हुआ तो इनसे पूछ के आपको जवाब जरूर दूंगा। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को, इस सेशन को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, मिलते हैं किसी और सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।